हेलो दोस्त, एलपी एंड टेक्नीशियन सीबीटी 2 ट्रेड क्लास या कह सकते हैं आपका कोचिंग, जिसमें वीडियो नंबर 19 की बात कर रहे हैं और इससे पहले 18 वीडियो हो चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स एंड रेडियो टीवी मैकेनिक्स की बात करेंगे और प्रश्न संख्या 251 से 274 तक है और टोटल एक टॉपिक है कम्युनिकेशन, जिसमें अगर इसे सब डिवाइड करें तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का टॉपिक है और ये सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है। यहाँ तो हम एलपी और टेक्नीशियन की बात करते हैं, लेकिन अगर डीएमआरसी एलएमआरसी कहीं भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, गेट पेट सब जगह ये कम्युनिकेशन से इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो हम यहाँ पे एलपी और टेक्नीशियन के संदर्भ में बात करेंगे और इसमें वीडियो का थोड़ी सी हम लंबा हो सकता है क्योंकि थोड़ी थोड़े पॉइंट है जिसका एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है और कम्युनिकेशन बहुत लोगों का थोड़ी सी दिक्कत होती है इवन, क्योंकि ये टॉपिक हाईलाइट होता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से आगे बढ़ जाता है तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होता है, तो इसे एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मॉड्यूलेशन के जानते हैं, मॉड्यूलेशन क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो ट्रांसमिशन एंटीना है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों एंटीना को हाइट लिमिटेड करने के लिए मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन ज़रूरी है और ये पिछले वीडियो के 18 नंबर में हमने देख रखा है कि अगर हम किलो हर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी रखेंगे, मेगा हर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी रखेंगे और साथ में गीगा हर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी रखेंगे तो एंटीना के हाइट 75,000 मीटर, 75 मीटर और 0.075 मीटर। तो हमारे लिए एंटीना कौन सी सबसे बढ़िया होती है, 0.75, ये कहीं भी रख दें आपकी एंटीना काम करने लगेगा। तो ये पर्पस है कि हमारे लिए कि एंटीना की हाइट लिमिट करने के लिए मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करते हैं और इसी में दूसरी टॉपिक है कि एंटीना का अगर हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो क्या होता है। तो मॉड्यूलेशन दो प्रकार का जनरली हम करते हैं, ऐसे तीसरा भी होता है। तो हम एएम और एफएम की बात करेंगे, एंगल मॉड्यूलेशन की बात नहीं करेंगे। तो एंगल मॉड्यूलेशन भी होता है लेकिन हम यहाँ पे एएम और एफएम बात करेंगे। उसके बाद और भी मॉड्यूलेशन होते हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन पीसीएम वगैरह बहुत सारे होते हैं, पल्स वीड मॉड्यूलेशन होता है लेकिन एफएम और एएम का ज़्यादा यूज किया जाता है रेडियो टीवी एंड ट्रांसमिशन सिस्टम में। तो इसको हम टॉपिक देख लेते हैं, बाकी डीप में जाएंगे तो पूरी आपको एक वीडियो ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो चलिए मॉड्यूलेशन में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक होता है कैरियर सिग्नल, इस टाइप के सिग्नल को क्या बोलते हैं, कैरियर सिग्नल, ध्यान दीजिएगा। और इसे अगर हम मॉड्यूलेट करते हैं तो हम सबसे पहले एम्पलीट्यूड में कर रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड में बड़ा होके फिर एक छोटी छोटी बड़ी इस टाइप के होता है और इसके साथ जो सिग्नल चलता है उसे बोलते हैं साइड बैंड, अपर साइड बैंड और इधर की तरफ होगा तो लोअर साइड बैंड बोलते हैं, और जो हमारा ये बीच में जा रहा है इसे बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और साथ में इसे मैक्सिमम को बोलते हैं वी मैक्स और जहाँ पे कम एम्पलीट्यूड होता है उसे बोलते हैं वी मिनिमम। तो यही है मॉड्यूलेशन का टॉपिक। और एफएम में जब आते हैं तो एफएम में एम्पलीट्यूड हमेशा सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी नज़दीक नज़दीक आ जाता है जिसके कारण से इसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें एम्पलीट्यूड हमेशा बराबर रहता है, यानी वी मैक्स और वी मिनिमम दोनों बराबर रहते हैं, केवल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। तो ये है कंसेप्ट। और एक कंसेप्ट और है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसे एम द्वारा कहते हैं और ये हमेशा 0 से लेके 1 तक के बीच में हमेशा होता है, ये भी प्रश्न आ जाता है। और ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स बराबर होता है वी मैक्स माइनस वी मिनिमम डिवाइडेड बाय वी मैक्स प्लस वी मिनिमम। तो देख सकते हैं जी, एक से कम क्यों होता है, क्योंकि ऊपर में आपका प्लस है, नीचे में आपका माइनस, ऊपर में माइनस है और नीचे में प्लस है, जिसके कारण से सेम क्वांटिटी का 0 से 1 के बीच में होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और इसी के ये केवल एएम के लिए एप्लीकेबल है, एफएम में थोड़ा इसकी फॉर्मूला चेंज हो जाती है, तो आपको ध्यान दीजिएगा। तो टॉपिक पे हम आते हैं, हमारा प्रश्न संख्या 251। तो 251 कह रहा है कि मॉड्यूलेशन इज डन एट प्लेस। तो ध्यान दीजिएगा, मॉड्यूलेशन होता है ट्रांसमिशन पे, तो अगर आपके पास कोई सिग्नल है
उसके बाद करते हैं मॉड्यूलेशन, उसके बाद करते हैं हम ट्रांसमिटन, अब बाहर की तरफ सेंड कर देते हैं चैनल में। और चैनल कौन कौन से होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर, लाइन वायर और स्पेस कम्युनिकेशन या ग्राउंड कम्युनिकेशन जो भी कह सकते हैं, वो सारे बहुत सारे मीडियम है। उसके बाद आता है आपका रिसीवर, तो रिसीवर के बाद होता है डीमोडुलेशन, और डीमोडुलेशन के बाद होता है आपका डिस्टिनेशन। तो ये भी ध्यान रखिएगा, डीमोडुलेशन यहाँ पे होता है कौन से अंत पे? रेडियो रिसीवर पे होता है डीमोडुलेशन, जो अगले प्रश्न में हमारा है। तो पहले प्रश्न का आंसर आपका ए है, ट्रांसमिशन। उसके बाद प्रश्न संख्या 252 की बात करेंगे, तो डीमोडुलेशन एट प्लेस, तो हमने पहले ही पढ़ लिया, रेडियो रिसीवर पे होता है, राइट आंसर आपके पास बी है। उसके बाद हम 253 नंबर प्रश्न पे आएंगे, तो 253 कह रहा है इन ए ट्रांसमीटर खाली स्थान ऑसिलेटर यूज। तो हमने जब हम ऑसिलेटर की वीडियो बना रहे थे तो आपको बताए थे कि हमारे ट्रांसमिशन में सबसे बड़ी ज़रूरत होती है किसकी? अस्टेबिलिटी की, क्योंकि हम जब सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो नॉइज प्रेजेंट होता है किसमें? चैनल में। जब जिस मीडियम में भेजते हैं ऑप्टिकल फाइबर या स्पेस, उसमें नॉइज होता है, जिसके कारण से सिग्नल की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा चाहिए। और अस्टेबल सबसे ज़्यादा कौन सा ऑसिलेटर था? तो ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा आपके पास। उसके बाद 254 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, तो ही इन इंडिया खाली स्थान मॉड्यूलेशन इन यूज रेडियो ट्रांसमिशन। तो रेडियो ट्रांसमिशन का ध्यान देंगे तो यहाँ पे रेडियो ट्रांसमिशन में दो टाइप के सिग्नल होता है, एक होता है आपका भाई वॉइस और दूसरा होता है पिक्चर। तो दोनों के बारे में अलग अलग टॉपिक है और दोनों का अलग अलग होता है। अगर यहाँ सिंपल सी मॉड्यूलेशन आता है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, जिसे एम बोला जाता है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि वॉइस किस में होता है, तो एफएम में होता है, और पिक्चर किस में होता है, तो एएम में होता है। तो ये दोनों प्रश्न को आप याद रखिएगा। वॉइस को कई जगह साउंड भी बोल दिया जाता है, कुछ लोग नहीं समझे तो इसे समझ ले, साउंड। तो साउंड एफएम में होता है, पिक्चर एएम में होता है। ये दोनों प्रश्न, दो प्रश्न यहाँ से। उसके बाद 255 नंबर प्रश्न हमारे पास है, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ध्यान दीजिएगा, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दी खाली स्थान दी कैरियर वेरी रिगार्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल। तो सिंपल सी हमने बात ही कर लिया है कि कैरियर किसके भी करता है? एम्पलीट्यूड का, जिसमें वी मैक्स और वी मिनिमम के द्वारा सिग्नल आगे की तरफ बढ़ता है। तो राइट आंसर आपका 255 का ए है। तो इस तरह से आपको प्रश्न करेंगे, एक कंसेप्ट से सारा करना है। उसके बाद हमारे पास 256 नंबर प्रश्न है, सिंपल ये भी प्रश्न है, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ थी खाली स्थान दी रेडियो सिग्नल फ्रिक्वेंसी। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने बैंडविड्थ की बात किया था, क्या किया था? तो आपने सिंपल सी देखा था कि वी मैक्स और वी मिनिमम और प्लस अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। तो क्या है अपर साइड बैंड और लोअर माइट? क्या है? ट्विस्ट है, दो गुना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपके पास है सी 56 के लिए। और प्रश्न एक बार आप रोक के देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो थोड़ी सी टाइम लग सकती है, आप आराम से कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आप अगर हिंदी में भी लिखेंगे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। बैंडविड्थ को बैंडविड्थ ही लिखना पड़ेगा, और बाकी ऑडियो सिग्नल को साउंड या आवाज़ सिग्नल लिख देगा आवाज़ का, तो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी लिखना है, तो हिंदी इंग्लिश में केवल यही रहता है कि आपका वर्ड चेंज हो जाएगा। एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है, आप एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा हिंदी यहाँ नहीं मिलता है। तो यहाँ इसके बाद हमारे पास 256 नंबर के बाद 257 नंबर प्रश्न है, तो इसमें पूछ रहा है कि ओवर मॉड्यूलेशन, ध्यान दीजिएगा, मॉड्यूलेशन से ज़्यादा मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड में अकुर करेंगे तो सिंगलर एम्पलीट्यूड में क्या होगा, करियर के लिए क्या होगा, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ है एम्पलीट्यूड इज खाली स्थान करियर एम्पलीट्यूड। तो करियर से देखिए, करियर क्या था हमारा? इस तरह का था, और इसकी भी मैक्सिमम मान लिए कि 0.7 वोल्ट थी या 10 वोल्ट था मान लीजिए। ओवर मॉड्यूलेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10 वोल्ट से क्या 11 वोल्ट या 12 वोल्ट ले जाएंगे तभी ये ओवर मॉड्यूलेशन होगा। और हमने देखा था कि मॉड्यूलेशन में वी मैक्स का ही
और वी मिनिमम का रोल होता है किसमें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। तो वी मैक्स आपको 10 वोल्ट से 12 वोल्ट ले जाएंगे, उसे क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन कैरियर एम्पलीट्यूड, यानी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड से हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा ओवर मॉड्यूलेटेड में। अंडर मॉड्यूलेटेड ही यूज किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ओवर मॉड्यूलेटेड कहीं नहीं यूज होता, हर जगह मैक्सिमम अंडर मॉड्यूलेटेड होता है। उसके बाद हम करते हैं 258। 258 में है इन ए एम मेजोरिटी ऑफ द पावर इन, तो एम फिर से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, और इसमें बोला मैग्नीट्यूड ऑफ पावर, पावर किसके साथ गुजरता है, तो पावर के लिए हमने क्या बोला था, ये होता है कैरियर, और कैरियर में ही पावर होता है, और जो साइड बैंड होता है लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड, उसमें क्या होता है सिग्नल। तो यहाँ पे आपके पास कैरियर कहाँ पे प्रश्न में है, देखिए डी नंबर प्रश्न है, तो सी आपका राइट आंसर है, इन एएमवेव द मेजोरिटी ऑफ द पावर इन कैरियर्स, और सिग्नल की बात आएगी तो साइड बैंड। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, दो प्रश्न, तो सिग्नल अगर कोई पूछ दिया जाए सिग्नल किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो साइड बैंड के द्वारा होता है और कैरियर के द्वारा पावर होता है। उसके बाद 259 प्रश्न को अगर देखेंगे, तो 259 प्रश्न में नहीं, रेडियो ट्रांसमिशन द मीडियम इज ट्रांसमिशन इज, तो रेडियो ट्रांसमिशन में अगर करना है तो मीडियम क्या होगा ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, रेडियो ट्रांसमिशन किस में होता है, दो टाइप का होता है, एक एम होता है और एक एफएम होता है। एम की फ्रीक्वेंसी मेगा हर्स या किलो हर्स में होती है, सॉरी किलो हर्स में होती है, एफएम की फ्रीक्वेंसी मेगा हर्स में होती है। और ये अगर केबल से ट्रांसमिशन करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले केबल रिजेक्ट कर दीजिए। अंटीना तो सभी में लगता ही है, लेकिन मीडियम क्या है, अंटीना तो ट्रांसमिट करने का माध्यम है, तो ये भी नहीं है। और यहाँ देख सकते हैं स्पेस, स्पेस यानी स्पेस में भी हम जैसे पृथ्वी कहीं भी ट्रांसमिशन के द्वारा ग्राउंड वेव से छोड़ सकते हैं या स्पेस वेव से छोड़ सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि दिल्ली से अगर आपको ट्रांसमिट करना है कोलकाता, तो इसके लिए इतनी केबल नहीं लगाने की ज़रूरत है। अगर दिल्ली में एक ट्रांसमिशन लगा हुआ है, ट्रांसमीटर लगा हुआ है, कोलकाता में एक रिसीवर लगा हुआ है, और बीच का मीडियम क्या है, स्पेस है, तो इस टाइप के रेडियो ट्रांसमिशन में सिग्नल यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास 260 नंबर प्रश्न है, तो 260 नंबर प्रश्न में इफ लेवल ऑफ मॉड्यूलेशन इंक्रीज, खाली स्थान पावर इज इंक्रीज, किसमें पावर इंक्रीज होगा, हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले भी इसकी बात किए थे कि कैरियर एज वेल एज साइड बैंड, मॉड्यूलेशन इंक्रीज होगा तो कैरियर में तो पावर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन मॉड्यूलेशन के सिग्नल भी साइड बैंड में इंक्रीज हो जाएगा लेवल ऑफ मॉड्यूलेशन इंक्रीज होने से। और लेवल ऑफ मॉड्यूलेशन इंक्रीज होने से क्या कहते हैं, पहले आपका मॉड्यूलेशन का इंडेक्स 0.5 था, तो ये 0.89 या 1 के समथिंग जाएगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा मॉड्यूलेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ तक बढ़ेगा तो उसमें कैरियर एंड एज वेल साइड बैंड की पावर बढ़ेगी। उसके बाद 261 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, तो यहाँ पे इन टीवी ट्रांसमिशन पिक्चर सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड और साउंड सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड, तो हम पहले ही बात कर ली है पिक्चर सिग्नल किस में मॉड्यूलेटेड होता है, एम में, और साउंड किस में होता है, एफएम में। तो इसमें से आपको राइट आंसर चूज कर लेना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले सी में है आपका एम्पलीट्यूड और दूसरा है फ्रीक्वेंसी, तो राइट आंसर यहाँ है। और ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं कि टीवी में ट्रांसमिशन में पिक्चर सिग्नल मॉड्यूलेटेड, और इंडिया में एक टीवी सिस्टम का क्या होता है, पाल सिस्टम होता है, ये भी याद करना है, और एक फ्रेम रेट होता है इलेक्ट्रॉनिक रेडियो एंड टीवी मकीन के, याद रखिएगा फ्रेम रेट पिक्चर रेट इसका आपको याद रखना है, कलर याद करना है आर वाई ऐसा जी होता है जो भी है, आर वाई जी के टर्म में होता है, प्राथमिक और सेकेंडरी कलर वो सारे आते हैं आपको, तो वो टीवी वाले आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद 262 नंबर प्रश्न में जाएंगे, व्हेन द साइज ऑफ द पिक्चर टीवी एक्सप्रेस एज 510 mm इट इज रिप्रेजेंट इज ए स्विच ऑफ द फ्लोइंग, तो कह रहा है कि टीवी का साइज अगर बता रहा है कि 510 mm है, तो ये क्या बता रहा है, विड्थ ऑफ स्क्रीन, हाइट ऑफ स्क्रीन, डायगोनल स्क्रीन हाइट एंड विड्थ ऑफ स्क्रीन। तो ध्यान दीजिएगा टीवी के साइज का जो दिया हुआ रहता है ये डायगोनल होता है, और ये 510 mm है, टीवी एलसीडी
लैपटॉप कैमरा जो भी होते हैं उसकी साइज डायगोनल की नापी जाती है, तो कंफ्यूजन में हम कई बार इसकी नापते हैं कि ये लेंथ टीवी हमारी छोटी है, बोला कंपनी वाले ने 22 इंच है और ये हो रहा है हमारा 19 इंच ही। तो ध्यान दीजिएगा डायगोनल स्पी होती है आपकी इसकी विड्थ और उसी के अनुसार ये डिजाइन होता है। उसके बाद 262 के बाद 263 नंबर प्रश्न है, इन ए रेडियो रिसीवर नॉइज जनरली इज डेवलप। तो नॉइज की बात करते हैं तो नॉइज हमेशा इम्पोर्टेंट हमारे लिए टॉपिक होता है जो हमारी सारी सिस्टम को डेवलप करता बेकार कर देता है। तो ट्रांसमीटर से हम जो सिग्नल करते हैं वो किस में जाता है, चैनल में। एकदम बिल्कुल कंसेप्ट आप क्लियर रखिएगा। और चैनल के बाद हम क्या यूज करते हैं, रिसीवर। तो रिसीवर में जो सिग्नल आता है इसमें क्या आता है, आपका सिग्नल तो आता है साथ में उसमें नॉइज भी प्रेजेंट रहता है। तो ये कहाँ रहेगा, रिसीविंग एंटीना पे नॉइज प्रेजेंट होगा। ध्यान दीजिएगा एकदम बिल्कुल कंसेप्ट करके, कभी आईएफ स्टेज, रेडियो स्टेज या आरएफ स्टेज। तो आईएफ के इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेट बोलते हैं, आरएफ को रेडियो फ्रीक्वेंसी स्टेज बोलते हैं। तो यहाँ घबराना नहीं है, आपको टॉपिक को समझना है। तो यहाँ रिसीविंग एंटीना आपका आंसर है। और इसमें एक बार अगर देखें थोड़ी सी मिस्टेक हो रहा है, रिसीविंग एंटीना से थोड़ी सी आईएफ एंटीना होता है ट्रांसमिशन पे, ऑडियो स्टेज रिसीविंग एंटीना आरएफ स्टेज में होगा। सॉरी, ये राइट आंसर डी होगा, रेडियो रिसीविंग एंटीना के आरएफ स्टेज में, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्टेज में ये नॉइज प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे दी है, और मैं पहले आपको सॉरी इसके लिए रिसीविंग एंटीना बता दिया था। रिसीविंग एंटीना एक होल पार्ट है, उसके आरएफ स्टेज में नॉइज जनरली डेवलप होता है बहुत ज़्यादा रेडियो फ्रीक्वेंसी स्टेज में। तो यहाँ डी रखिएगा, अगर ये नहीं रहेगा तब रिसीविंग एंटीना आएगा। तो उसके बाद हमारे पास 264 नंबर प्रश्न है, मैन मेड नॉइज, आदमी द्वारा बना तैयार हुआ नॉइज या वो जो हम साउंड करते हैं वो हमारे सिग्नल में मिल जाता है, वो क्या है, वो किस टाइप का नॉइज है। तो इसको हम जानने के लिए देखेंगे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की फ्रीक्वेंसी हमने बताया था क्या है, किलो हर्ट्ज में है, 1 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मेगा हर्ट्ज में। तो इस तरह से देखिएगा, पहला किलो हर्ट्ज में होता है, तो मैन मेड नॉइज श्रेणी आपका आता है एम्पलीट्यूड के लिए। उसके बाद 265 नंबर प्रश्न है, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 265 में सुपर हेटरोडाइन प्रिंसिपल रेफर टू। सुपर हेटरोडाइन से प्रश्न कभी न कभी पहुंच जाता है। तो ऑब्टेनिंग फिक्स आईएफ फ्रीक्वेंसी, बस आपको याद रखना है सिंपल सी, फिक्स आईएफ फ्रीक्वेंसी यानी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास है 266 नंबर प्रश्न, तो यहाँ बता रहा है मोस्ट ऑफ दी एम्पलीफिकेशन एंड सुपर हेटरोडाइन रिसीवर ऑक्यूर इन स्टेज। तो 266 का हमने पहले ही जान लिया था आईएफ स्टेज में, जो हमारा 265 नंबर प्रश्न में भी था, तो आईएफ स्टेज में होता है। और सुपर हेटरोडाइन हमेशा कहाँ लगता है, रिसीवर पे लगता है, ट्रांसमिशन पे नहीं लगता। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसमिशन पूछ दिया जाए तो आपको इसे डिस्कलेक्ट करना है, हमेशा याद रखना है। सुपर हेटरोडाइन रिसीवर किस में लगता है, रिसीवर पर लगता है, और इसमें होता है ACG, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास है 267 नंबर प्रश्न, इन लेटर VABG स्टैंड, ABG के बारे में पूछ रहा है, क्या है इसका मतलब क्या है। तो ए से ऑटोमेटिक, भी से वॉल्यूम, और सी से कंट्रोल। तो ABG मीन्स ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल, और राइट आंसर आपके पास है सी। उसके बाद हमारे पास 268 नंबर प्रश्न है, इसको अगर पढ़ें तो द मेजर एडवांटेज ऑफ FM ओवर AM इज। ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का एडवांटेज क्या है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से, वो आपको बताना है। तो देखिए, रिटप्शन लेज नुआजी, तो FM और AM की बात कर लिए, तो हमने AM में क्या बोला, हमने सबसे पहले बोला इसकी फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में होती है, और FM की मेगा हर्ट्ज में होती है। तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है उसमें नॉर्मल नॉइज मिक्स होने के कारण कम होता है। तो किलो हर्ट्ज में हमने देखा था AM में मैन मेड नॉइज भी मिक्स हो जाता है, लेकिन AM मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में नहीं होता है। तो रिसेप्शन इज
लेस नॉइज, नॉइज कम प्रेजेंट रहता है जब उसको रिसीव्ड होता है। तो राइट आंसर आपके पास ए है। उसके बाद 269 की बात करेंगे तो यहाँ पे है IF स्टेज। देखिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, IF इंटरमीडिएट स्टेज में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 455 किलोहर्ट्ज़। तो रेडियो रिसीवर इज ए ट्यूनेड 855 किलोहर्ट्ज़। दी लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, तो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेटर आपने पहले ही पढ़ रखा है, तो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका IF स्टेज फ्रीक्वेंसी प्लस रिसीवर या ट्यूनेड रिसीवर फ्रीक्वेंसी। तो दोनों को जोड़ दी देंगे तो आप 8 4 12 और ये आ जाएगा 1310 किलो हर्ट्ज। तो ध्यान दीजिएगा लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी मोर देन ऑफ IF एंड रिसीवर फ्रीक्वेंसी, ये आपको टॉपिक याद रखना है। और दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 1310 है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका 20 है। दोनों को एक बार जोड़ देता हूँ, कई लोग कहेंगे कि भाई ये शॉर्टकट हो रहा है, तो 455 करेंगे तो 5 5 10 आएगा, 5 5 10 11 आएगा, 8 4 12 1 13 आएगा, यानी 1310 किलो हर्ट्ज होता है। और कई बार ये कन्फ्यूजन के लिए 1310 आपको मेगा हर्ट्ज भी लिख दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा ये सब टॉपिक है जो आपको करेक्ट करने और डिसकरेक्ट करने में ध्यान देना है। तो यहाँ किलो हर्ट्ज में है तो आपको आउटपुट भी किलो हर्ट्ज में होगा। उसके बाद हमारे पास 270 है। 270 का है ए मिनिमम 40 है और ए मैक्स 60 है। तो व्हाट इज परसेंटेज ऑफ मॉडुलेशन के बारे में पूछ रहा है, तो इसको मैंने कैलकुलेट नहीं किया है और ये 20% होना चाहिए। और आप कैलकुलेट करते अगर तो एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं, वी मैक्स अगर कह रहा है तो वी मॉडुलेशन बराबर वी मैक्स एक बार लिख ही लिया जाए, वी मैक्स माइनस वी मिनिमम और वी मैक्स प्लस वी मिनिमम। तो यहाँ 60 माइनस 40 और 60 प्लस 40, तो 60 माइनस 40 बराबर 20 और 60 40 बराबर 100। और अगर इसे 100 के टर्म में कहेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज है यहाँ ध्यान कीजिएगा मॉडुलेशन परसेंटेज है, तो 100 100 कैंसिल और ये आ जाएगा 20%। तो इस टाइप से प्रश्न आप करेंगे तो कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी नहीं, पढ़ने की उमंग भी जगेगी और लगेगा कि मैंने कुछ किया है, पढ़ाई किया है। और इस तरह से अगर 50 प्रश्न आ जाए, 30 20 25 30 कुछ भी संख्या दिया जाए। अब यहीं पे एक मैं एक और प्रश्न बना देते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो किसी दोस्त को। तो अगर मिनिमम वोल्टेज किसी का दिया हुआ है 2 वोल्ट, यहाँ मैक्स और मैक्सिमम वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट, या इसी प्रश्न को अगर एक दिया हुआ है कि कोई सिग्नल है, सिग्नल इस टाइप से है, अगर यहाँ भी मैक्स यहाँ भी लिखा हुआ है केवल 10 वोल्ट और इसको लिखा हुआ है भी 2 वोल्ट, तो इसकी मॉडुलेशन इंडेक्स क्या होगी। तो ऐसे ऐसे प्रश्न को आपको याद करना है। तो एम बराबर हम क्या लिखेंगे, 10 माइनस 2 10 प्लस 2, और यहाँ लिख सकते हैं 8 बटा 12, और इसकी जो परसेंटेज आएगी वो मॉडुलेशन में आप 100 से करके कर सकते हैं। तो सिंपल सी परसेंटेज आपको ये करना है कि कंसेप्ट आपके पास डेवलप है तो कोई भी प्रश्न आए वो आपको हल करने में मदद करता है। उसके बाद 271 नंबर प्रश्न है, द फंक्शन ऑफ द फेराइट एंटीना। फेराइट एंटीना आप जानते हुए फेराइट हाई फ्रिक्वेंसी में करते हैं और ये इस टाइप के मटेरियल होती है जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी और रेडियो फ्रिक्वेंसी में यूज करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी है कि इंक्रीज द क्यू ऑफ द ट्यूनेड सर्किट। क्यू को क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। तो इस टाइप के टॉपिक करना है। और स्टेबलाइज देखते हैं तो स्टेबलाइज की टर्म में हमने क्या बोल रहा था, क्रिस्टल, क्रिस्टल टाइप के जितने भी होते हैं उसकी स्टेबलाइज होती है और बाकी सबकी अलग अलग है। रिड्यूस नॉइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, तो ये सब अलग अलग टॉपिक है। तो फेराइट का यहाँ पे राइट आंसर आपके पास है सी, इंक्रीज क्यू ऑफ द ट्यूने सर्किट। उसके बाद 272 नंबर हमारे पास प्रश्न है, इन रेडियो रिसीवर। तो रेडियो रिसीवर में कह रहा है वी जनरली यूज ऑसिलेटर इज ए लोकल ऑसिलेटर। तो हमने पहले वीडियो में बात किया था कि लोकल ऑसिलेटर का फ्रिक्वेंसी क्या होता है, इंटरमीडिएट और प्लस जो हमारा साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी या कैरियर की फ्रीक्वेंसी होती है उससे भी ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है किस टाइप के ऑसिलेटर यूज करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हार्टले करते हैं और यहाँ
पे देखिए, सबसे पहले रेडियो रिसीवर दिया हुआ है, तो क्रिस्टल टाइप का हम कहाँ यूज करते हैं ट्रांसमीटर में, तो हमारे पास एक एक प्रश्न यही क्लियर हो जाता है, एक रिजेक्ट हो जाता है, तो हमारे पास यहाँ राइट आंसर देखने के लिए और सही सा उपाय आ जाएगा, तो यहाँ पे डी आंसर है। उसके बाद हमारे पास है प्रश्न संख्या 273, तो 273 की बात करेंगे। इन केस ऑफ द कैरियर ऑफ 100% मॉड्यूलेट सेट एम वेव सप्रेस इज पावर सेविंग, तो इसको याद करना पड़ता है, इसको पावर कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर कह रहा है कि किसी कैरियर की सिग्नल के 100% मॉड्यूलेटेड वेव को सप्रेस कर देंगे तो पावर सेविंग कितनी होती है, तो याद रखिएगा 60.66, और कई बार 60.67 भी दिया हुआ रहता है, और कई बार इसको परसेंटेज में दिया हुआ रहता है, तो वो भी ध्यान दीजिएगा, 0.66 कुछ करके परसेंटेज में लिखा रहेगा, तो इतना एस पावर सेविंग होता है, तो राइट आंसर आपका बी है। उसके बाद अंतिम प्रश्न वीडियो का ये है, इन ए टेलीफोन डायल टोन इज फ्रीक्वेंसी, तो कुछ लोग जानते भी होंगे जो रेडियो मैकेनिक्स के हैं और टीवी वाले, रेडियो मैकेनिक्स टीवी, उनको सबसे ज़्यादा पता होता है टेलीफोन का डायल टोन का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो यहाँ पर राइट है 33 हर्ट्ज, ये आप याद रखिएगा, सी आंसर है। तो इस टाइप से हमने अभी तक जो बात किया है, अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो बताइए, या कुछ हमसे मिस्टेक हो रहा है उसके बारे में भी बताइए, और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी बता सकते हैं आप, और चैनल को अगर सपोर्ट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, और चैनल को प्रोग्रेस कराने के लिए शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी मटेरियल में क्वालिटी और क्वांटिटी हम दोनों पे निर्भर करता है, हम जितना डिलीवर कर रहे हैं और आप कितना है उसको समझ पा रहे हैं, दोनों इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।